दोस्तों बिग बॉस के घर में कल आपने देखा किस तरीके से खाने की चीजों पर सभी लोग आपस में लड़ते झगड़ते नजर आए। सबसे पहले तो सौंदर्या और शिव ठाकरे के बीच गजब लड़ाई देखने को मिली कॉफी के ऊपर, तो वहीं दूसरी तरफ शालिन भनौट भी चिकन के पैकेट्स को लेकर सभी घर वालों से लड़ते झगड़ते हुए नजर आए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सुम्बुल तौकीर का अचानक से इस पूरे मामले में कूदना लोगों को बिल्कुल भी रास नहीं आया। यही वजह है कि इमली यानी कि सुम्बुल तौकीर को गंदे तरीके से ट्रोल किया जा रहा है सोशल मीडिया पर। चलिए आपको बताते हैं कि सुम्बुल ने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से लोगों के निशाने पर आ गई है अचानक से सुम्बुल तौकीर। दोस्तों कल का जो दिन था बिग बॉस के घर के अंदर काफी एंटरटेनिंग कहें या फिर लड़ाई झगड़े वाला। घर का माहौल काफी डिस्टर्ब हो गया जब खाने पीने की चीजों को घर में लाया गया। बिग बॉस ने कहा कि सारे सामान को आप डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। शालिन भनौट ने उस वक्त चिकन के पैकेट्स को उठा लिया और कहा कि मैं तो चिकन खाऊंगा क्योंकि मुझे कहा गया है कि 200 ग्राम चिकन मुझे लेना है रोज में, और ये रिक्वेस्ट मैं बिग बॉस से पहले भी कर चुका। तो वहीं किचन एरिया में सौंदर्या और शिव के बीच कॉफी को लेकर लड़ाई झगड़ा देखने को मिला। खाने की चीजों पर इस तरीके से लड़ाई झगड़ा देकर सुम्बुल तौकीर काफी परेशान हो गई और अचानक से रोने लगी। वो किचन की स्लैब पर चढ़कर अचानक से शिव ठाकरे पर चिल्लाने लगी और कहने लगी कि खाने की चीजों पर हम लोग क्यों ऐसे झगड़ा कर रहे हैं, खाने की ही तो चीजें हैं, हम लोग कोई छोटी फैमिली से थोड़ी आए हैं जो हम इस तरीके से लड़ाई झगड़ा करें। सुम्बुल तौकीर का अचानक से खाने की चीजों के बीच जो झगड़ा चल रहा था उसमें कूदना लोगों को बिल्कुल भी समझ नहीं आया। यही वजह है कि सुम्बुल तौकीर को गंदे तरीके से ट्रोल किया जा रहा है सोशल मीडिया पर। आपको बता दें सुम्बुल तौकीर जिस तरीके से रोती हुई नजर आई है, इमोशनल नजर आई है, लोगों का मानना है कि इतना भी बड़ा मामला नहीं था कि सुम्बुल ने पूरा घर ही सर पे उठा लिया है। लोगों का मानना है कि हर बार दूसरों के मैटर में फुटेज लेने की कोशिश कर रही है सुम्बुल तौकीर। हालांकि सोशल मीडिया पर अच्छी खासी फैन फॉलोइंग रखती है सुम्बुल और इसके साथ ही सुम्बुल को काफी अच्छे वोट्स भी आने की उम्मीद है, लेकिन जिस तरीके से लड़ाई झगड़ों में घुसने की कोशिश कर रही है वो एक अलग ही किरदार में नजर आ रही है। फैंस को उनका ये अंदाज बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। शिव ठाकरे पर जिस तरीके से चिल्लाती बरसती नजर आई है सुम्बुल तौकीर, लोगों को लग रहा है कि खाने के मामले में सुम्बुल बेकार का ही फुटेज ले रही है, जबकि ये पूरा मामला इतना भी ज्यादा बड़ा नहीं था कि सुम्बुल को रोने धोने की नौबत आ जाए। कमेंट्स में आप देख सकते हैं लोग सुम्बुल पर सवाल उठा रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि आखिर सुम्बुल को बीच में कूदने की क्या जरूरत थी, वो आखिर शिव पर चिल्लाकर क्या साबित करना चाहती है। आपको बता दें जबरदस्ती का रोना और शिव ठाकरे के ऊपर चढ़ना लोगों को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है। लोगों को लग रहा है कि सुम्बुल घर में आकर बेवजह की गुंडई कर रही है, जबकि सुम्बुल एक अच्छी लड़की है, टीवी की अच्छी एक्ट्रेस है, उन्हें इस मामले में कूदना नहीं चाहिए। आपको बता दें कल के एपिसोड में खाने की चीजों पर जब एक तरफ शालिन और श्रीजिता भिड़ रहे थे और दूसरी तरफ सौंदर्या और शिव की लड़ाई हो रही थी, तो उसके बीच में अचानक से सुम्बुल पहुंच जाती है और लड़ाई झगड़ा करने लगती है। इस तरीके से बीच में घुसना लोगों को बिल्कुल भी समझ नहीं आया और लोग ट्वीट कर सुम्बुल को लताड़ रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि ओवर एक्टिंग बिल्कुल मत करो क्योंकि इस पूरे मामले में तुम्हारे रोने धोने की जरूरत बिल्कुल नहीं थी। सुम्बुल तौकीर जिस तरीके से कल के मामले में रोती धोती नजर आई है, क्या आपको भी लगता है कि उसकी जरूरत बिल्कुल नहीं थी? अगर आपकी भी है यही राय तो जल्दी से हमारे कॉमेंट सेक्शन में आकर बताएं कि इस पूरे मामले पर सुम्बुल के रोल पर क्या कहना चाहते हैं आप। अगर आपने अभी तक फिल्मी बीट को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसे भी लाइक कीजिए। बॉलीवुड टीवी से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए फिल्मी बीट।